नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिल। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। वहीं इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोग और मारे गए। वहीं अब हिंसा में मारे गए 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि किसी की मौत शॉक लगने से तो किसी की मौत हैमरेज से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात कहीं भी सामने नहीं आई है। 4 अक्टूबर को इस हिंसा में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम किया गया था। बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई है। लवप्रीत सिंह किसान, घिसटने से हुई मौत, शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, शॉक और हेमरेज मौत की वजह। वहीं गुरविंदर सिंह किसान, 2 चोट और घिसटने के निशान मिले, धारदार या नुकीली चीज़ से आई चोटें, मौत की वजह शॉक और हेमरेज। जलजीत सिंह किसान, शरीर पर कई जगह घिसटने के निशान, यही मौत की वजह बनी। छत्र सिंह किसान, मौत से पहले शॉक, हेमरेज और कोमा, घिसटने के भी मिले निशान। शुभम मिश्र बीजेपी नेता, लाठी और डंडों से हुई पिटाई, शरीर पर दर्जन भर से ज़्यादा जगहों पर चोट के निशान मिले। श्याम सुंदर बीजेपी कार्यकर्ता, लाठी और डंडों से पिटाई, घिसटने से दर्जन भर से ज़्यादा चोटें आईं। हरिओम मिश्र, अजय मिश्र का ड्राइवर, लाठी डंडों से पिटाई, शरीर पर कई जगह चोट के निशान, मौत से पहले शॉक और हेमरेज। रमन कश्यप स्थानीय पत्रकार, शरीर पर पिटाई के गंभीर निशान, शॉक और हेमरेज से हुई मौत। आपको बता दें, प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया है। तय हुआ कि हिंसा में मारे गए 4 किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के 1 सदस्य को नौकरी दी जाएगी। साथ ही हिंसा में घायल हुए लोगों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा की साजिश किसने रची और लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लखीमपुर खीरी में किसानों के बीच अराजक तत्व शामिल थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच हिंसा को लेकर सियासत भी जारी है। आपको बता दें, 3 अक्टूबर को डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य तय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। उन्हें रिसीव करने के लिए गाड़ियां जा रही थी। ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की बताई गई। रास्ते में तिकोनिया इलाके में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, इससे झड़प हो गई। बाद में ऐसा आरोप लगाया गया कि आशीष मिश्र ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद मामला बढ़ गया और हिंसा भड़क गई। हिंसा में बीजेपी नेता के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।